हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैभव श्रीवास्तव। वेलकम टू लेक्चर वन ऑफ सीएसएस सीरीज। हम इस सीरीज में सीएसएस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी सीएसएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और उसके बाद हम धीरे धीरे सीएसएस को कैसे बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल और हो सके तो एडवांस लेवल तक हम इसको ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीएसएस होता क्या है। सीएसएस एक्चुअली सीएसएस का फुल फॉर्म जो होता है, मैं इसको लिख के बताता हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सीएसएस जो होता है, ये एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि जिससे कि हम वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, तो उस डिजाइनिंग को और इन्हेंस करता है, उसको यूजर इंटरेक्टिव बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर को, जैसे कि कोई एक स्मॉल बॉक्स है, तो हम चाहते हैं कि उस स्मॉल पार्ट में जब होवर करें हम, तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये सब सीएसएस से होता है। तो बेसिकली ये सब कुछ फीचर्स हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं और जो यूजेस हैं, वो तरह तरह के, वो तो हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं सबसे पहले इसका एक इंट्रो देना चाहूँगा, क्योंकि लेक्चर वन है तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप के सीएसएस होते कितने हैं। तो मैं नोटपैड मैंने इसमें खोला हुआ है और मैं इसमें टाइप करके बता सकता हूँ आसानी से, जैसे कि एक डायरेक्ट क्लियर अंडरस्टूड हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहला जो सीएसएस होता है वो होता है इनलाइन सीएसएस। ये फर्स्ट टाइप होता है। और जो सेकंड सीएसएस होता है इंटरनल सीएसएस। और जो तीसरे टाइप का सीएसएस होता है, एक्चुअली सीएसएस के टाइप्स नहीं है, हम अलग अलग तरीके से जो सीएसएस की हेल्प की मदद से, जो सीएसएस की हेल्प से हम जो एचटीएमएल का एनहेंसमेंट करते हैं, जो वेब पेज का और यूजर इंटरेक्टिव बनाते हैं, एक बेहतरीन अप्रोच देते हैं हम वेब पेजेस को कि वो देखने में अच्छे लगे जब यूज़र उसको सर्फिंग करे वेबसाइट गूगल पे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे, तो एक अच्छा लुक है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए सीएसएस का यूज़ करें। और जो तीसरा टाइप का सीएसएस होता है वो बता देता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के फायदे क्या हैं? एक्सटर्नल सीएसएस के फायदे ये हैं कि इसको हम एक अलग फाइल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो जब अलग फाइल में स्टोर कर देते हैं, तो हम ना सिर्फ उसको किसी एक पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल में यूज कर पाते हैं, बल्कि हम और भी एचटीएमएल फाइल से उसको अटैच कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ता है, हमें एक ही फाइल को हम आसानी से लिंक कर देते हैं, उसको हम जो मेथड यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, कैसे होता है, अब मैं बताऊंगा इंटरनल सीएसएस, फिर एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इनलाइन सीएसएस बताता हूँ। सीधे सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इनलाइन सीएसएस को एक्चुअली यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एचटीएमएल होता है। आई होप आप लोगों को एचटीएमएल का एक आइडिया होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम सीएसएस को सीख सकते हैं, पहले हमें एचटीएमएल सीखना होगा। तो मैं HTML के बेसिकली टैग लिख देता हूँ, HTML है, फिर उसके बाद बॉडी है। अब बॉडी के अंदर ही मेन पार्ट होता है HTML का, जो वेब पेज होता है। तो हम बॉडी के अंदर अब कोई भी टैग यूज करते हैं। सपोज आप लोग पी के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर एक आप लोग को आइडिया है कि क्या होता है, पी से एक नए पैराग्राफ की शुरुआत होती है। तो मैं एक इसका भी आइडिया दे देता हूँ, जैसे आई एम वेब, राइट, और इसको मैं सेंटर में भी लगा देता हूँ, जिससे ठीक। अब इसके बाद बी आर से क्या होता है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और पी, ये होता है पी आई एम वेब डेवलपर,
ये हो गया, पी को हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने सेंटर को भी क्लोज कर दिया। वैसे जरूरत नहीं होती होगी क्योंकि अगर हमको इतना ही लिखना है तो ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिस भी हम टैग के अंदर यूज करें, हम इनलाइन सीएसएस की बात कर रहे हैं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, हम इनलाइन सीएसएस की बात कर रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि इनलाइन सीएसएस हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, कैसे हम उसमें जो चेंजेस करते हैं वो कैसे वेबसाइट पे पेजेस पे रिफ्लेक्ट होते हैं। पी पी को हम एक स्पेस देंगे और एक तरह से हम एट्रीब्यूट डायल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एट्रीब्यूट आप जानते होंगे, आपने एचटीएमएल अगर पढ़ा होगा, ये तो एट्रीब्यूट जो यूज होता है वो स्टाइल होता है। स्टाइल इक्वल्स टू, अब मैं इसको स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, डबल अंडरस्कोर इनवर्टेड कॉमास लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम फॉन्ट कलर चेंज कर दें, तो प्रॉपर्टी जो होगी सी ओ एल ओ आर कलर रेड, कोई भी कलर डाल सकते हैं, रेड डाल दिया हमने, रेड होगी कलर रेड। और हम चाहते हैं कि नहीं इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज रहे, जिससे कि हम आई एम वैभव को एक सेपरेट कर सकें उसे, तो हम उसको अलग करते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज एक मिनट, हाँ ठीक है। तो फॉन्ट साइज में चाहता हूँ कि हो जाए सपोज 30 pixels, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये एक अच्छा साइज है जो कि विजिबल है, ठीक है। हमने क्या देखा, मैंने सिंपली एक HTML के टैग्स लगाए, बॉडी लगाया, सेंटर आई वैभव, फिर उसके बाद BR से मैंने ब्रेक दिया, P लगाया मैंने, P से एक नए पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है, आप जानते हैं, आपने HTML पढ़ा है। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर, कलर क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी में हमने क्या दिया, रेड, और फिर उसके बाद सेमी कॉलम, फॉन्ट साइज दूसरी प्रॉपर्टी है, फिर इसको हमने कितनी वैल्यू दी, 30 pixels, 30 pixels यानी कि 30 pixels जो फॉन्ट की साइज रहेगी, यानी कि आई एम अ वेब डेवलपर जो कि पी टैग के अंदर है, इसकी इसका जो कलर होगा वो रेड कलर होगा, बाकी सबसे अलग होगा, और इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 30 pixels होगा। अब हम फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने फाइल को सेव किया, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद हम इसका नाम जैसे रख देते हैं लेक्चर वन, ठीक है, L1 बल्कि LECT लिख देते हैं, lect1.st। इसको डेस्कटॉप पे आप डाल सकते हैं क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो लोकेट करना थोड़ा आसान नहीं होता है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, सो फ्रेंड्स अब मैंने डेस्कटॉप से उस आइकन को ओपन किया जो कि lect1.html नाम फाइल से सेव था। तो ये रहा हमारा वेब पेज, इसमें हम देख सकते हैं आई एम वैभव जो कि सेंटर में मैंने यूज किया था, सेंटर टैग मैंने यूज किया था एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, लेकिन उसके बाद जो मैंने पी यूज किया था जो कि एक पैराग्राफ था उसको थोड़ा आई एम वैभव से अलग है उसके बाद है। और जो खास प्रॉपर्टी थी मैं जो यूज की थी इनलाइन सीएसएस की, कि क्या होना चाहिए हमारा फॉन्ट साइज 30 pixels का होना चाहिए, कलर जो क्या होना चाहिए रेड होना चाहिए। तो एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ, जैसे कि कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो ये रहा, ये देखिए स्टाइल कलर रेड, ठीक है, फॉन्ट साइज 30 pixels। तो आप देख सकते हैं कि पी के अंदर जो हमने यूज किया था उसका साइज बढ़ गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये फायदे हैं सीएसएस के, फायदे तो नहीं, ये एक बिगनिंग है और पहला लेक्चर वन था। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर वन, विल मीट इन लेक्चर टू, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।